खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां भूमाफिया अपनी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंचा दिया है कि अब शहर से लेकर गांव तक पुश्तैनी जमीन नहीं बच पा रही है। ताजा मामला मगुरीहाई का है, जहां के भूस्वामी बैजनाथ सिंह की रजिस्ट्री शुदा जमीन राम सखा ने अपने अन्य लोगों ने मिलकर बिक्री की है। उक्त मामले का खुलासा करते हुए समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटी वाले ने बताया कि बैजनाथ सिंह के जीवित रहते ही फर्जीवाड़ा किया गया था। उनकी मौत होते ही जमीन का बंदरबांट किया गया और कई लोगों को बिक्री कर दी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री चोटी वाला ने बताया कि उक्त मामले में समय लाल तिवारी, राम लखन शर्मा, राजकुमार तिवारी, विनोद तिवारी, अभिलाष तिवारी, अंगूरी तिवारी, राम मिलन तिवारी, राम निहोर तिवारी दोषी हैं, जबकि बेचने वालों में धीरेन सोनी और अरुणम अग्रवाल दोषी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर विश्वनाथ पटेल ने क्या मांग की है। ये आज रीवा जिले के हजूर तहसील के ग्राम मगुरिहाई के 5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है। कई लोगों ने मिलकर के अरसी शुदा जमीन की फर्जी कोट रचना करके फर्जी तरीके से अपने नाम नामांतरण करा लिया और उसको कई भूमाफियाओं के को बेच दिया गया है। और बैजनाथ सिंह के रजिस्ट्री शुदा 1992 में रजिस्ट्री शुदा जमीन है, जिसको राम सखा वगैरह लोगों ने मिल करके और बंदोबस्ती के समय कूट रचना करके अपने नाम करा लिया। जब तक बैजनाथ सिंह जिंदा थे तब तक इन लोगों ने किसी भी प्रकार की जमीन पर हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे उन लोगों ने बैजनाथ सिंह की डेथ हो गई, मौत हो गई, उसके बाद उन लोगों ने जमीन पर हस्ताक्षेप शुरू कर दिया, जबकि बैजनाथ सिंह के वारिसान अभी भी कब्जा दखल कर रहे हैं। इसके बाद भी तमाम न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं, क्योंकि जब कूट रचना करके राम सखा वगैरह अपने नाम जमीन कराए, इन लोगों ने कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया कि हमारा खसरा सुधार किया जाए। 1993 का कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया कि इसमें खसरा सुधार कर बैजनाथ सिंह के नाम फिर से जमीन की जाए। अभी अपर कमिश्नर के द्वारा 2022 में इनके पक्ष में फैसला है। इसके बाद भी राम सखा के वगैरह के जो बारिश है, समयलाल वगैरह, इन लोगों ने जमीन को बिक्री कर दिया, जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी कई लोगों को, जैसे धर्मेंद्र सोने और अरुणम अग्रवाल और स्वर्णिमा सिंह, भीम सिंह, नृपेंद्र सिंह बघेल को इन लोगों ने जमीन कर जमीन अभी भी ये दखल और अमल कर रहे हैं। वहाँ अभी फसल बोई हुई है और इसके पहले जो उससे ये बाईपास निकला उसका मुआवजा भी उन लोगों ने ले लिया जो भूमाफिया पहले से इन लोगों को बस्ती के समय इन लोगों ने अपने नाम कूट रचना करा के लिए। तमाम तरह की शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायतें की गई कि करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा जमीन में किया गया और उस जमीन को हथिया करके और भूमाफियाओं के हाथ में बेच दिया गया है। इस संबंध में FIR दर्ज किया जाए भूमाफियाओं के खिलाफ। चौराहटा थाने में 1 महीना पहले इस संबंध में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से एक बात तमाम प्रशासन को अवगत कराएं। हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अब कोई आंदोलन करना पड़ेगा इस संबंध में, तभी शासन प्रशासन के जो डायनासोरी से जागेंगे। इस तरह के मामले हैं और रीवा में तमाम तरह का फर्जीवाड़ा और ये जिला प्रशासन के सह पर निश्चित रूप से चल रहा है। इसी संबंध में हमने आप लोगों को आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी। अब यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है, हो सकता है अभी 10 दिसंबर के बाद फिर से एक बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो। यदि मुख्यमंत्री का आगमन होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिल करके इस संबंध में हम उन्हें अवगत कराएं। यदि नहीं कराते, यदि प्रशासन और प्रशासन हमको मिलने नहीं देता, क्योंकि मैं 10 दिसंबर को मिलने के जो बदवार सोलर पावर प्लांट में भी मुख्यमंत्री जी ने सुरंग का उद्घाटन करने आए तो हम मिलने की कोशिश किए थे, तो हमारे घर में पुलिस प्रशासन भेज करके मुझे घर में नजर कैद कर दिया गया, मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको ये लग रहा था शासन प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, तो हो सकता है न मिलने दिया। यदि नहीं मिलने दिया गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दिया जाता तो कहीं ना कहीं हम ऐसे रास्ते पे, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उसी रास्ते पर धरने में हम जरूर बैठेंगे, मेरी कोशिश रहेगी।